ओम शांति। आज 20 फरवरी 1999 का संदेश है। टाइटल है, सफलता का आधार, ब्राह्मणों के शुभ संकल्प, अव्यक्त बाप दादा का दिव्य संदेश। आज जब मैं वतन में गई तो क्या देखा? बाबा सामने खड़े थे और बाबा के नैनों से लाइट की किरणें ऐसे निकल रही थी जो गोल्डन छत्र छाया के रूप में बनी हुई थी, और दोनों ही दादियां आगे थी। साथ में कुछ मुख्य बहनें और मुख्य भाई उस छत्र छाया के अंदर खड़े थे। बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुराते, सबको दृष्टि देते, नैनों की भाषा में स्नेह की भासना दे रहे थे। फिर बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? बाप दादा तो पहले ही सब बच्चों को सेवा का प्रत्यक्ष फल खिला रहे हैं, आओ तुम भी खाओ। ऐसे कहते बाबा ने अपने बाहों में समा लिया तो दोनों दादियां भी बाहों में आकर समा गई। बाबा बोले, बच्ची बाप तो जानते ही है कि अंत में विजय बच्चों की ही है, लेकिन ड्रामा में हर कार्य का समय निश्चित है, तो समय तक बच्चों को भागदौड़ करते सेवा के निमित्त बनना ही है, लेकिन समय आने पर जो भूल भुलैया का खेल दिखाई देता था उससे भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है और सहज ही हो जाता है। उसमें जिन जिन बच्चों ने डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में व गुप्त रूप में सहयोग दिया है, उन सब को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और मेहनत का फल खुशी स्वतः ही मिल रही है। सब निमित्त महारथियों के शुभ संकल्प ने अच्छा सहयोग दिया है। कोई ने मनसा से किया, कोई ने भागदौड़ साकार रूप में की, सबके एक निश्चय बुद्धि का रिजल्ट सामने आ गया है। बाप दादा भी सभी निमित्त बने हुए बच्चों को बहुत बहुत पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। समय अनुसार अनेकों को अनेक आत्माओं की सेवा का चांस मिला है। यही ड्रामा का खेल बच्चों ने देखा। ऐसे कहते बाप दादा ने मीठा मुस्कुराते विदाई दी। फिर दूसरा संदेश है, बाप दादा को फॉरेन की बहनों की मीटिंग का समाचार सुनाया। बाप दादा बहुत खुश हो रहे थे और मुस्कुराते बोले, निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह और मुबारक दे रहे हैं। मधुबन के वायुमंडल का भी बच्चों को सहयोग अच्छा मिला है। साल में एक बार सर्व टीचर्स को स्व उन्नति और सेवा के प्लान मंथन करने का चांस अच्छा मिला है। साथ साथ ईश्वरीय डिसिप्लिन की तरफ भी अच्छा इशारा मिल जाता है और बच्चों ने दिल से सुनाया भी है और सुना भी है। बाप दादा जानते हैं कि ऐसे समय सब बच्चों को दिल में उमंग है कि स्व उन्नति और सेवा में आगे बढ़ना ही है, और ऐसे निश्चय और हिम्मत वालों को बाप दादा की मदद तो सदा है ही है। दादियां भी बहुत दिल से सेवा कर रही है। रिटर्न तो हर बच्चों को देना ही है ना? हाँ, बाबा थोड़ी रखेगा किसी का। जो हम सेवा के लिए करते हैं बाबा उसको कई गुना मल्टीप्लाई करके देता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष भी अनुभव होता है और भविष्य तो है ही है, तो थोड़े में हम तो थोड़ा करते, बहुत थोड़ा करते, परंतु बाबा रिटर्न में कितना ज्यादा देता है ना, कितना ना दिल से बाबा का शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, सभी बच्चों को विशेष याद प्यार और दिल से बाप की दुआएं स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:30, उसके पश्चात दूसरी लिंक में 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली और रात्रि क्लास 9:15। ओम शांति।